हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं ये मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए बारिश होने लगी है और ये देखिए कितना अच्छा मौसम, ये बारिश हो रही। मैंने सोचा मैंने चलो कुछ सूट कर लिया जाए, अच्छा लगता है। ये मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है। ये चलो अब चलते हैं किचन में। मैं आ गई किचन में, तो मैं यहाँ ऑयल गरम कर रही हूँ सरसों का। इधर मैं मसाला पीस रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सोया बड़ी। तो सोया बड़ी बनाने में अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट और टमाटर और उसका ये मैंने आलू डाल दिए हैं और टमाटर हरी मिर्च डाल दी है। ये आलू फ्राई कर रही हूँ। मैंने सोया बड़ी मैंने फ्राई करके रख ली है। ये देखिए ये मैं दोबारा से ये देखिए आलू फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने ये निकाल लिए हैं। और अब मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा डालने के बाद जीरा भी थोड़ा काम में लग गई हूँ। अब मैंने लहसुन प्याज डाल दिया यहाँ। ये देखिए मैं मसाला हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला ये मैंने डाल दिया है। इधर नमक स्वाद अनुसार नमक डाल दो। और ये मैं थोड़ा सा चलाऊंगी जब तक ये मसाले सारे भुन नहीं जाते हैं, क्योंकि मसाले भुनने में ना कुछ टेस्ट ही अलग आता है। और मसाले भुनने में कैसे पता चलता है कि वो ऑयल छोड़ने लगता है, तो मसाला कुछ जान दे। ये मैंने टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ, तो ये टमाटर प्यूरी थोड़ी देर चला के इसमें भी ऑयल निकल आएगा। उसके बाद मैं फिर और चीज़ डालूँगी और सामान सब्ज़ी। ये देखिए ये लो मैंने सोया बड़ी डालने लगी हूँ। और सोया बड़ी थोड़ी सी चलाने के बाद इसमें थोड़ा मसाला मिक्स हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं आलू डालती हूँ। अभी डालूँगी आलू। ये देखो मेरा बेटा मेरे हाथ गोद में है, ये जाग गया था। ये मैंने आलू डाल दिए हैं। तो बच्चे होते हैं तो प्रॉब्लम हो ही जाती है थोड़ा सा, वो कब जाग जाएं। अब वो भी तबीयत ख़राब हो तो ज़्यादा उन्हें देखना पड़ता है। ये मैंने पानी अब डाल दिया है। ये अपने हिसाब से पानी डाल दो, जैसा भी मतलब ग्रेवी कम चाहिए ज़्यादा जैसी भी खानी हो उस हिसाब से। मुझे थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है इस सब्ज़ी में, क्योंकि ये सोया बड़ी है ना, ये फूलने के बाद ग्रेवी वो पानी सोख करती है, इस वजह से ग्रेवी सूख जाती है। तो मैं थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा रखती हूँ। उतारने के बाद भी मैं इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी रखे रखे ही सूख जाती है। ये देखिए मेरी सब्ज़ी मैंने बनने रख दी है। अब मैं इस पे प्लेट रख देती हूँ। और आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी? मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय।